प्रोग्राम कर रहे हैं कॉमर्स प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 40 है। इसके अंदर हम यूज़र का शिपिंग एड्रेस चेक करेंगे और ऑर्डर को प्लेस करवाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र के अंदर हमने ये बना लिया था कि कार्ट में कि हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो फिर हमारे से पूछता है कि आप रजिस्टर हैं या आप रजिस्टर हैं या लॉगिन है, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन कर लेता है, अगर रजिस्टर नहीं है तो वो अकाउंट क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस हमने कर लिया था। इसके बाद का प्रोसेस हमें करना है तो हम आते हैं यहाँ पे व्यूज में एडमी होम के अंदर, और होम में आएंगे हम प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर कहाँ पे है ये रहा, ठीक है। प्लेस ऑर्डर में हम यहाँ पे आ गए। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने टेबल बनाई है यूज़र की, उसमें हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था यूज़र का और उसको हम लॉगिन करवाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला तो हमने कर लिया था कि अगर अकाउंट नहीं है किसी यूज़र के पास तो यहाँ से रजिस्टर होके डायरेक्ट कार्ड के पेज पे वापस रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर हमारे पास ऑलरेडी यूज़र का अकाउंट है, अब हम ओनली लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद वापस से वो कार्ड पे जाएगा। कार्ड के बाद हम दोबारा प्लेस ऑर्डर करेंगे, ठीक है। माई शॉप में आते हैं। माई शॉप के अंदर MS यूज़र के नाम से है और इसके अंदर हमारे पास है deepak@gmail.com। इसको पासवर्ड है पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन अकाउंट क्लिक करेंगे deepak@gmail.com पास, ठीक है। ये वापस से यहाँ पे आ गया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है। अब हम लॉगिन हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर यूज़र लॉगिन है तो इफ कंडीशन लगाते हैं कि डॉलर दिस सेशन यूज़र डाटा, यूज़र किस पे लगा रखा है हमने सेशन, कंट्रोलर पे आएंगे, होम पे, होम के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड पे, ठीक है। तो यूज़र ईमेल इक्वल एम्प्टी है तो ही ये शो होगा, नहीं तो ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो एल्स की कंडीशन लगाते हैं, एल्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे एंड इफ, क्योंकि ये वाला सेक्शन जब से होना चाहिए जब यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे पेज को, ईमेल के नाम से ये ओनली यूज़र नहीं है इसके आगे, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन नहीं आ रहा, यूज़र लॉगिन वाला सेक्शन नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी यूज़र लॉगिन है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि एक कॉलम हमें शिपिंग एड्रेस का बनाना है, तो इसको कॉपी करेंगे एंड इफ के बाद चलते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यूज़र शिपिंग एड्रेस, ठीक है। और इसी के अंदर हम वो कॉलम बनाएंगे दोबारा से, कि इसके अंदर हम देते हैं BIV क्लास कार्ड कंटेंट, ठीक है। कार्ड कंटेंट के अंदर हमें क्या देना है, शिपिंग एड्रेस देना है इसका, ठीक है। तो शिपिंग एड्रेस हमें देना है कि जैसे टेक्स्ट एरिया नेम बराबर शिपिंग एड्रेस, ठीक है। ये इसका शिपिंग एड्रेस रहेगा जो भी इसका शिपिंग एड्रेस होगा। और इसके बाद में हमें क्या करना है,
शिपिंग एड्रेस यहाँ पे शो करवाना है। तो हम आते हैं पहले प्लेस ऑर्डर पे, प्लेस ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे यूज़र आएगा सबसे पहले, और उसके बाद चेक होगा कि इसी पेज पे आएगा वापस से। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं हो तो ये वाला सेक्शन उसको दिखे कि रजिस्टर ऑफ लॉगिन अकाउंट, ठीक है। अगर यूज़र लॉगिन है तो उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन आ गया इसका कि यूज़र का शिपिंग एड्रेस दिखे, ठीक है। और हमें क्या करना है इसके बाद कि यहाँ पे शिपिंग एड्रेस और इसके अंदर टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया है, इसको हटा देते हैं, ये स्पेस आ रहा है, ठीक है। ये इसका टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे वो अपना शिपिंग एड्रेस डाल सकता है, ठीक है। ये हमने हेडिंग रख दी शिपिंग एड्रेस की, हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर शिपिंग एड्रेस शो करवाना है। तो शिपिंग एड्रेस कैसे शो करवाएंगे कि यहाँ पे हमने हेल्पर बना रखा है, ठीक है। तो हेल्पर के अंदर से हम वो यूज़र डाटा उठा के लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं हेल्पर को यहाँ पे लोड करवाऊँगा, डॉलर देश लोड हेल्पर, हेल्पर का नाम है यूज़र, ठीक है। यूजर सीख देता हूँ ऐसे। तो हेल्पर में आएंगे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट हेल्पर बना रखा है, एक और हेल्पर बनाते हैं, इसको हम देते हैं यूज़र हेल्पर, ठीक है। तो ये हेल्पर हमारा यूज़र के लिए काम करेगा, ठीक है। तो हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ओनली सी आई इंस्टेंस फंक्शन, सिंटेक्स ऑर्गनिंग किया। इसमें हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम है गेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। अब हम इसके अंदर क्या पास करना है, एक तो हम इसमें यूज़र नेम पास करेंगे कि जो अभी लॉगिन है, और एक हम पासवर्ड पास करेंगे, ठीक है। कि जो यूज़र अभी लॉगिन है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हमने पास कर दिया, ठीक है। तो सी आई डी बी गेट वेयर, टेबल नेम है एम एस यूजर्स, वेयर ईमेल बराबर है यूज़र नेम के, एंड पासवर्ड बराबर होना चाहिए पासवर्ड के, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं फैच रिकॉर्ड, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे हम अपनी, फैच रिकॉर्ड अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन जीरो है तो ये रिटर्न करेगा हमें फैच रिकॉर्ड रिजल्ट फॉर्मेट में, ठीक है। एल्स में भी हमें यही रिटर्न होगा, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक हेल्पर बना लिया, यूज़र हेल्पर, यूज़र हेल्पर, यूजर्स लिखा हुआ है, हम यूज़र कर देते हैं, ठीक है। कोई भी एरर नहीं आ रही है। अब हम इसमें फंक्शन कॉल कराते हैं, जैसे कि गेट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। गेट यूज़र डिटेल के नाम से ही बनाया हमने। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, एक तो हमें पास करना है कि यूज़र नेम क्या है, डॉलर दिस सेशन यूज़र डाटा, ईमेल उसका यूज़र नेम है, और दूसरा हमारे पास है यूज़र डाटा पासवर्ड, उसका पासवर्ड है, ठीक है। तो यूज़र डिटेल, ठीक है, इस वेरिएबल में हमने इसको डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि
यहाँ पे इको करना है यूज़र डिटेल, में जो जीरो इंडेक्स है हमारे पास एरे के फॉर्मेट में आ रहा है, वो जीरो इंडेक्स के अंदर जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। तो जयपुर आ रहा है इसके अंदर कि जो भी यूज़र लॉगिन है उसने जो एड्रेस डाल रखा है वो जयपुर आ रहा है, चाहे तो वो शिपिंग एड्रेस इसी को रख सकता है या फिर वो दूसरे एड्रेस पे भी इसको करवा सकता है ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं कि बटन बना देते हैं हम यहाँ पे, बटन टाइप सबमिट, ठीक है। तो क्लास इसको BTN वेब इफेक्ट, और बैकग्राउंड हमें क्या देना है बटन का, ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। और इसे हम लिख देते हैं सेव एड्रेस, ठीक है। सेव कर दिया एड्रेस हमने। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो ये एड्रेस सेव हो जाएगा एक टेम्परेरी टेबल में, ठीक है। वेब लाइट ठीक है, एड्रेस सेव करवा देंगे हम इसका, और उसके बाद हमारे पास प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले हम इसको सेव कर देते हैं इस एड्रेस को, ठीक है। ये कहाँ पे सेव होगा, एक टेम्प की एड्रेस में सेव होगा, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं, इफ क्या फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, फॉर्म ओपन, ठीक है। तो सबमिट होने पे कहाँ जाना चाहिए, होम कंट्रोलर के अंदर सेव टेम्प एड्रेस, ठीक है, स्लैश यूजर आईडी। तो यूजर आईडी हमें यूजर डिटेल के अंदर जो इसकी आईडी रहेगी वो इसकी यूज़र आईडी होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लिख देते हैं इसे फॉर्म क्लोज, तो यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो जाएगा हमारा, ठीक है। एरर दे रहा है ये, एरर हमारे पास क्या है, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने इसलिए एरर है। सबमिट करने पे ये वहाँ पे चला जाएगा, इसको इसका बटन टाइप सबमिट ही है, ठीक है। इको नहीं किया हुआ इसलिए ये पेज रिडायरेक्ट नहीं हो रहा। पेज को हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। हमने इको कर दिया तो सेव पे करेंगे क्लिक, तो ये सेव टेम्प एड्रेस के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे home.php, पब्लिक फंक्शन, और पब्लिक फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, फंक्शन हमें किस नाम से बनाना है, सेव टेम्प एड्रेस, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट करते हैं, यूज़र आईडी हमें मिल रही है, ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है लॉगिन की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ कंडीशन, इफ के अंदर डॉलर दिस सेशन यूजर डाटा ईमेल पे सेव किया हुआ है, इक्वल इक्वल एम्प्टी है, और डॉलर दिस सेशन यूजर डाटा पासवर्ड इक्वल इक्वल एम्प्टी है, तो ये रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट इसके ऊपर होम के अंदर साइन इन, यूज़र साइन इन, ठीक है। एल्स में क्या होगा, एल्स में होगा कि एक हम आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं बनाएंगे हम, डाटा इंसर्ट करवाना है तो हम बनाएंगे इसके अंदर
डाटा, ठीक है। एक तो हम देंगे इसको यूज़र आईडी कि किस यूज़र आईडी का ये एड्रेस है। तो यूज़र आईडी क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास यूज़र आईडी है वो। और इसके बाद हमारे पास है शिपिंग एड्रेस, शिपिंग की जगह हम इसको डायरेक्ट एड्रेस ही लिख देते हैं। एड्रेस क्या होना चाहिए, डॉलर दिस एंड पोस्ट वैल्यू किस नाम से आएगी, शिपिंग एड्रेस के नाम से, ठीक है। तो शिपिंग एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी इस वाले कॉलम में। अब हमें क्या करना है, इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। चेक करेंगे कि जो डाटा के अंदर हमने एरे बनाया है, जो उसके अंदर यूज़र आईडी आ रही है वो एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। इन दोनों को चेक करेंगे और डाटा के अंदर एड्रेस इक्वल इक्वल एम्प्टी है, ठीक है। अगर एम्प्टी होगा तो हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा वापस इसी पेज पे, ठीक है। पेज का क्या नाम है, हमारे पेज का नाम है होम के अंदर प्लेस ऑर्डर, ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एल्स में क्या होगा कि डॉलर दिस रूट मॉडल इंसर्ट डाटा का हमारे पास फंक्शन है, जिसके अंदर हम MS temp एड्रेस की एक टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे ये डाटा को पास कर देंगे, ठीक है। तो वो उस वाले टेबल में जाके सेव हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब प्लेस करेंगे ऑर्डर को तो वो एड्रेस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम temp के लिए यूज़ कर रहे हैं कि टेम्परेरी डेटा उसमें सेव रहे और प्लेस होने के बाद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल के अंदर हमें क्या बनाना है, एक यूज़र आईडी रखनी है, एक एड्रेस रखना है और एक आईडी रखनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पे आएंगे माई शॉप के अंदर, माई शॉप के अंदर टेबल बनाएंगे माई शॉप टेम्प एड्रेस, ठीक है। तीन कॉलम लेंगे हम यहाँ पर और गो पे क्लिक करते हैं। पहला होगा हमारा आईडी, दूसरा यूज़र आईडी, तीसरा हमारा होगा एड्रेस, ठीक है। ये दोनों इंटीजर रहेंगे, ये फॉर के रहेगा, ठीक है। एड्रेस इसको 255 दे देते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ रहेगी वो 255 हमने रख दी है। ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा और सेव कर देते हैं इसे, ठीक है। ब्राउज पे आते हैं, यह हमारा फंक्शन रन होगा तो हम चेक करेंगे कि जो रिज़ल्ट है इक्वल इक्वल अगर ट्रू है, ट्रू आ रहा है मॉडल से, तो वापस से रिटर्न रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिटर्न रिडायरेक्ट होम के अंदर प्लेस ऑर्डर पे, ठीक है। एल्स में भी ये यहीं पे ही रिडायरेक्ट होगा, लेकिन ये यहाँ पे कुछ मैसेज शो करेगा। तो तीनों मैसेज हम दे देते हैं, डॉलर दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा। फ्लैश डाटा में हम इसको दे देंगे एरर मैसेज, ठीक है। प्लीज एंटर शिपिंग एड्रेस, ठीक है। और दूसरा हमारा जो मैसेज रहेगा ये वाला एरर मैसेज, इसमें क्या रहेगा, फेल सेव शिपिंग एड्रेस, ठीक है, कि आपका फेल हो गया है शिपिंग एड्रेस सेव। और इसके बाद हमें क्या देना है इसमें मैसेज, शिपिंग एड्रेस सेव सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस आगे होगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास मैसेज है क्या नहीं,
तो मैसेज हम कहाँ पे चेक करेंगे? माय कार्ट के अंदर हमने मैसेज लगा रखा है, एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज, दोनों मैसेज है हमारे पास, कॉपी करेंगे इसी को। अब हम चलते हैं प्लेस ऑर्डर पे, प्लेस ऑर्डर है हमारा यहाँ पे। प्लेस ऑर्डर के अंदर हमें कहाँ पे देना है मैसेज? मैसेज हम देंगे कंटेनर के अंदर, ठीक है, पेस्ट किया। अब हम इसको एक बार एम्प्टी छोड़ देते हैं और सेव कर देते हैं। शिपिंग एड्रेस सेव सक्सेसफुली, ठीक है, सेव क्यों हो गया ये, जबकि यहाँ पे तो हमने एम्प्टी छोड़ा था इसे। सेव टेम्प एड्रेस, यूज़र आईडी और एड्रेस अगर एम्प्टी है तो मैसेज आना चाहिए, एल्स में मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। चेक करते हैं जयपुर गया नहीं गया, तो एम्प्टी आ रहा है, फिर भी सेव हो गया। रिटर्न ही नहीं हुआ ये तो। प्रिंट आर करके देख लेते हैं यहाँ पे, डाई और प्रिंट आर, डाटा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसको तो अभी हम फिलहाल डिलीट करते हैं। एल्स में एरर, डाई फंक्शन लगा हुआ है, इस एड्रेस को हमने डेटाबेस में सेव करवा लिया है। जैसे कि अभी जयपुर आ रहा है तो हम इसको लिख देते हैं जयपुर, राजस्थान, जयपुर के अंदर राजस्थान, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं P4 जयपुर राजस्थान, ठीक है। सेव एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को मैसेज आ रहा है, एड्रेस सेव सक्सेसफुली, और हमारे डेटाबेस में भी ये इंसर्ट हो रहा है P4 राजस्थान, P4 जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो इस लेक्चर का काम हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमने शिपिंग एड्रेस सेव कर लिया हमने टेम्प की टेबल में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये वाला एड्रेस यहाँ से चला जाएगा ऑर्डर की टेबल के अंदर, ठीक है, और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही।